फ्रेंड्स, ये डिजाइनर बोट नेक होगा, बैक साइड पे इसका डिजाइन होगा। तो ये ब्लाउज के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट काटना है। देखिए, बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे टू फोल्ड किया। सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई लेना है। यहाँ पे मैं 14 इंच रखूँगी सिलाई मार्जिन लेके। आपको अपनी हाइट की अनुसार यहाँ पे लेना है, दोनों पॉइंट को मिलाना है। नॉर्मली जिस तरीके से होता है उसी तरह इस पर भी निशाना देना है। तो अभी देखिए, हमें शोल्डर लेना है। बोटनेक ब्लाउज पे जितना आपकी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। 7 इंच से मैं 200 ज़्यादा रखूँगी यहाँ तक। तो आपकी जितना है आपको उतना ही लेना है। बोटनेक ब्लाउज पे कभी भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये स्लीवलेस होगा। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हो उस टाइम पे आप लगा सकते हो। अभी देखिए, यहाँ से मैं लगभग 3 सूत यहाँ पे डाउन कर लूँगी। उसके बाद यहाँ से आर्म होल लेना है। आर्म होल यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैं फिटिंग्स रखूँगी, तो उसी हिसाब से देखिए मैं 6 1/2 इंच रखूँगी। अब इसको बराबर मिलाना है, इसको भी हमें सीधा मिलाना है। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है। 34 का चौथा हिस्सा 8 1/2 इंच आपको अपने हिसाब से लेना है। इसके साथ हमें 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। अभी आर्म का गुलाई देना है। यहाँ पे देखिए लगभग 1/2 इंच से भी बहुत कम होगा, लगभग 3 सूत यहाँ पे मैं अंदर की तरफ गुलाई रखूँगी और इस तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ से देना है, ज़्यादा नहीं। आर्म होल का शेप आपको जरूर इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है। इस तरह से नहीं देने से क्या होता है, ये ब्लाउज पहनने के बाद बैक साइड पे नीचे की तरफ आपका फुलान होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ देना है, तो फिटिंग से अच्छा होता है। अभी देखिए, जितना टोटल मैंने यहाँ पे छाती लिया उससे मैं 1 इंच कम रखूंगी कमर के लिए। अभी देखिए, नेक का चौड़ाई लेना है। यहाँ पे मैं 4 इंच रखूँगी, आपको अपनी पसंद के हिसाब से लेना है। आप चाहो तो 3 1/2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4 1/2 भी ले सकते हो। उसके बाद इसका डिजाइन कैसे देना है, नीचे की तरफ से देखिए, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी, आप चाहो तो 2 इंच 2.5 इंच जितना आप चाहो उसी हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो। अभी इसको देखिए, इसके साथ मिलाना है, बिल्कुल तिरछा करके इसको इस तरह से लेके आना है। हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं हल्का सा अंदर की तरफ शेप लगाऊंगी। ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा शेप देना है, नहीं तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे ये जो नेक साइड है इसको काट नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये साइड काट कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे और एक चीज रह गया है, दोनों शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अभी देखिए, बैक के हिसाब से यहाँ पे निशाना देना है। अभी इसको हटा लेना है। तो आर्म होल पर देखिए, पहले फ्रंट आर्म होल के लिए हमें शेप देना है। यहाँ से देखिए, नॉर्मली 1/4 इंच अंदर की तरफ लेना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 1/2 इंच रखूँगी क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज है, जिसके कारण मैं यहाँ पे फिटिंग्स रखूँगी। थोड़ा सा इसको हल्का सा मिला के देना है इस तरीके से। अभी देखिए, यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना ज़्यादा आपको शेप चाहिए यहाँ पे उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, इसके साथ मिला देना है। अभी देखिए, नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
देखिए नीचे की तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा लिया, अगर आपको यहाँ पे और यहाँ पे टैक्स नहीं देना है उस टाइम पे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फ्रंट नेक का चौड़ाई लेना है, जितना बैक साइड पे लिया था उतना ही लेना है 4 इंच। अब यहाँ पे डिप देखिए 3.5 इंच लेना है, इसको 4 इंच पे बराबर निशाना मिलाना है। इसमें भी 3.5 इंच पे पहले निशाना देना है, अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। देखिए ये निशाना कहाँ दूरी पे देना है, लगभग 1.5 इंच पे ये शेप आया है, इसको भी नीचे की तरफ लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका मेन है बास्ट पॉइंट निकाल लेना है, शोल्डर से आपके जितना बास्ट पॉइंट है उसी हिसाब से यहाँ पे देना है। यहाँ पे बास्ट पॉइंट 9.5 इंच है, लेकिन सिलाई मार्जिन के लिए आपको और भी 1/2 इंच लेना है, और ये बोट नेक ब्लाउज है जिसके कारण हमें और भी 200 ज़्यादा लेना है, तो मैं 10 इंच या 200 यहाँ पे ज़्यादा रखूंगी। अभी देखिए यहाँ पे जो टैक्स होता है, टैक्स कहाँ पे देना है, यहाँ से मिडल से कितना दूरी पे देना है, जितना आपके ब्लाउज की फुल बस्ट होता है उसका 1/10 भाग लेना है। तो यहाँ पे देखिए 38 का 1/10 भाग रखूंगी, फुल बस्ट 38 है उसका 1/10 भाग 3.8 इंच है, बिल्कुल नीचे की तरफ इसको लेके आना है, दोनों पॉइंट को मिला के देना है। अब यहाँ पे टैक्स कितना देना है, मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच रखूंगी, इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ पे एक निशाना देना है, उसके बाद यहाँ पे और एक निशाना देना है। अभी देखिए इसमें मैं कोई भी निशाना नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ अस्तर पे लगाऊंगी तो बाद में कोई दिक्कत ना हो, जिसके कारण मैं यहाँ पे निशाना लगा लिया, मैं यहाँ पे काट लगा के रख दूंगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा काट लगा के रख देना है, अभी जैसे है बिल्कुल वैसे काट कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है, अभी सेम इसी तरह हमें अस्तर काट कर लेना है, हमें बैक नेक काट कर लेना है। अभी इसके हिसाब से यहाँ पे ओपन कर लेना है, इसके हिसाब से बैक साइड का डिजाइन काटना है, डिजाइन पोटी। बैक साइड पे जो बेल्ट होगा इसके लिए मैंने यहाँ पे और एक फैब्रिक लिया, फैब्रिक को मैंने सीधी लिया, उरेप नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने कितना दूरी पे लिया था, बैक साइड पे जो मैंने डिजाइन के लिए किया था वो मैंने 3 इंच का लिया था, देखिए यहाँ पे 3 इंच का। यहाँ पे बैक साइड पे कमर पे देखिए यहाँ पे लगभग 1/2 इंच के आसपास सिलाई हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मुझे 2.5 इंच मिलने से भी ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 इंच है, मुझे 2.5 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिलाई के लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, जिसके कारण मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा करके रखूँगी। हमें यहाँ पे और भी थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, जिसके कारण मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट लूँगी, क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक रहना है, नहीं तो ये जो बेल्ट है बाद में बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। देखिए 3 इंच से भी थोड़ा मैं ज़्यादा रखूँगी। अभी इसका लंबाई कितना लेना है, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे लंबाई ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे 25 इंच रखूँगी। अभी देखिए इसको तिरछा करके लेना है, तब देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे कितना था देखिए, 3 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उस साइड पे हमें और भी थोड़ा ज़्यादा लेना है। मैं यहाँ पे देखिए 3.5 इंच रखूँगी, अभी दोनों पॉइंट को मिलाना है। देखिए इसको आप चाहो तो मिडल में से हल्का सा तिरछा कर सकते हो, या पूरा सीधा भी ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसका चौड़ाई और भी कम लेना, फिर भी आप इसका चौड़ाई कम ले सकते हो, यहाँ पे बहुत ही छोटा करके लेना है। उस टाइम पे देखिए आपको यहाँ पे जो मैंने लिया था इसको और भी कम लेना है, तब इसका चौड़ाई और भी कम होगा, अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे लेना है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तिरछा करके लेना है, इस तरीके से हमें तिरछा कर लेना है। देखिए जितना भी हमें शेप चाहिए मैं सिलाई करते वक्त उस टाइम पे लगा लूँगी।
अब इस सेम हमें दूसरा और एक पट्टी काट कर लेना है। देखिए दोनों बेल्ट काट हो गया है, इस पर कोई भी अस्तर देने का जरूरी नहीं है। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये काट हुआ है सेम तरीके से हमें अस्तर काट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको इसका काटिंग समझ में आ गया होगा। काटिंग के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है आप हमें ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।